सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फिर बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी के ऊपर जो एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा है यहाँ पे इंडिया इन डिटेल्स ने। इंडिया इन डिटेल्स बता दूं, अनुराग एंड उनकी वाइफ कैरोलिना चलाते हैं, ठीक है। एंड कैरोलिना आपको पता होगा बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस निकाल चुके हैं ध्रुव राठी के अगेंस्ट में। रिसेंटली कैरोलिना गई थी यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। एंड कैरोलिना ने जो 2023 इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ शेम रिलीज किया था, एंड उस लिस्ट में ध्रुव राठी का भी नाम था, बता दूं। तो क्या उसी वजह से ध्रुव राठी ने जो उनके ऊपर अटैक किया? यस, यहाँ पे इंडिया इन डिटेल्स अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया ना, जहाँ पे उसे ध्रुव राठी के ऊपर एलिगेशन लगाए फॉर दैट अटैक। आप देख सकते हो उनका कार का शीशा वगैरह पूरा तोड़ा गया है, कार का हालत आप देख ही सकते हो। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके ऊपर ना ध्रुव राठी भी रिएक्ट करे, वो कहे जो भी लोग नॉनसेंस फेक न्यूज देके डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। नीचे वो तीन ऑप्शंस भी दिए, आप देख सकते हो, स्पीक अप, डिफेंड योर सेल्फ, मतलब कि वीडियो बनाओ एंड अपने आप को डिफेंड करो। तो इसका वो डिसएडवांटेज भी बताए, इससे उनको पब्लिसिटी मिल जाएगा, वो लोग जो और कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे। एक और दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, फाइल ए लीगल कंप्लेंट, एंड उसका डिसएडवांटेज वो लिखे, फिर ये जो लोग ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे एंड रोने लगेंगे अबाउट लीगल थ्रेट, ऑल्सो इससे टाइम एंड पैसा भी वेस्ट होगा। फिर नंबर थ्री ऑप्शन आप देख सकते हो, इग्नोर इट। तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कुछ लोग जो उनके फेक वीडियो को सच समझ बैठेंगे। नीचे वो लिखे, व्हाट डू यू थिंक? अब पता नहीं भाई वो क्या करने वाले, अपने आप को डिफेंड करेंगे एक वीडियो बना के, या फिर लीगल एक्शन लेंगे, या फिर इग्नोर करेंगे। तो चलिए वो अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, एल्विस यादव वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है आपको पता ही होगा, मैं लास्ट के दो वीडियो से एक्सप्लेन कर चुका हूं। कल तो एल्विस यादव ने जासूस किंग जो कि फुकरा इंसान के दोस्त है उनको भी वार्निंग दे दिया था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, कल का वीडियो आप देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी उसी से रिलेटेड एक और अपडेट है। तो फुकरा इंसान ने 19 सितंबर को जो ट्वीट किया थे उसी ट्वीट को रीट्वीट किया। अब वो ट्वीट किया है, अभिषेक वर्सेस एल्विस बंद कर दो, इट्स ऑलवेज बीन अभिषेक एंड एल्विस। फिर उसी को रीट्वीट करते हुए फुकरा इंसान लिखे, माय हार्ट ब्रेक्स वाचिंग पीपल स्प्रेडिंग हेट टू एनीवन आउट देयर हु इज प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन माय ग्रोथ एंड विश द सेम फॉर अदर्स। आई एक्चुअली वांट एल्विस भाई टू क्लियर दिस एयर अबाउट नेगेटिव पीआर एज हिज फैंस आर इंटरप्रेटिंग दैट्स मी एंड आई फील द बॉन्ड वी शेयर इनसाइड द हाउस स्टेज द सेम इवन आउटसाइड। तो यहाँ पे वही बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये जो हेट वगैरह स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया पे ये सब देख के। वो बताया कि वो अपने ग्रोथ को लेकर हमेशा से फोकस्ड एंड पॉजिटिव रहे हैं, वही वो बाकियों के लिए भी विश करते हैं। वो बताया, मैं एक्चुअली चाहता हूँ एल्विस यादव जो क्लियर करे कि ये जो नेगेटिव पीआर वाला बात है ये किसको बोल रहे हैं, क्योंकि एल्विस यादव के फैंस को लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो बताया, जो बॉन्ड हमने शेयर किया था बिग बॉस के घर में वही बॉन्ड बरकरार रहे बाहर भी, वही मैं फील करता हूँ। तो यहाँ पे एल्विस यादव के एक फैन अकाउंट ने जो है जासूस किंग के बारे में पूछ लिया ना, क्या आपको पता आपका मैनेजर जासूस किंग क्या कर रहा है ट्विटर पर? जब से एल्विस भाई जीता है तब से उनके खिलाफ बोलता जा रहा है, आपने उसको रोका? वो कहे, यस ब्रदर, वी हैव बीन हैविंग कांस्टेंट रिफ्ट्स रिगार्डिंग हिज ट्वीट्स एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली फोर्सिंग हिम टू डिलीट हिज ट्विटर अकाउंट बिकॉज़ आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु एडवोकेट्स हेटरेड स्पीच। वो बताया कि उनके एंड जासूस किंग के बीच में जो है इसके रिगार्डिंग काफी बहस हो चुका है, वो जो उनको फोर्स भी कर रहे हैं उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के लिए। और जो ना किसी ने उसी ट्वीट के जैसे रिप्लाई किया था, तो नेगेटिव पीआर भी बंद करो, ट्वीट करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है भाई, सुधर जा। वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाया ना, एडल्ट स्टफ करके नाम है, उसने एक कमेंट किया हुआ है, ठीक है, जहां पे लिखा गया है कि फुकरा इंसान एंड हिज टीम इज रनिंग नेगेटिव पीआर कैंपेन अगेंस्ट एल्विस टार्निश हिज इमेज एज ए मीम पेज ओनर, इवन आई वाज ऑफर्ड मनी टू पोस्ट नेगेटिव वीडियोस अबाउट एल्विस बट आई डिड नॉट पोस्ट इट। तो उसका फुकरा इंसान कहे, दिस पेजेस आर जस्ट क्लाउड चेजर्स, आई कैन लिटरली फाइल ए बिग डिफेमेशन केस अगेंस्ट दिस पर्सन एंड गेट हिम बिहाइंड द बार्स फॉर सच फॉल्स नैरेटिव्स बट आई डोंट बिलीव इन डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट मेक्स ए पर्सन लाइफ मिजरेबल। और जो क्या एल्विस यादव से फुकरा इंसान से जेलस है, क्योंकि यहाँ पे खबरी एक ट्वीट किया था ना, दिस इज फनी, एल्विस यादव इज द ओनली पर्सन स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एज ही हैज लॉस्ट इट हाउ मलहान व्लॉग्स आर गेटिंग मोर व्यूज, ही ट्राइड ब्लेमिंग यूट्यूब बट फेल्ड, ट्राइड यूजिंग मनीष हिरानी बट फेल्ड अगेन, नाउ यूजिंग न्यू ट्रिक ऑफ विक्टिम कार्ड। तो उसका ना एल्विस यादव ने रिप्लाई किया, मारी होड़ ना होवे भाई। अब मैंने इसका मीनिंग पता किया तो मुझे पता चला कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ऐसा करके। और सुना गाइस, एल्विस यादव जो कम्युनिटी पोस्ट किए थे, किसी के कामयाबी से कभी जलना नहीं क्योंकि बड़े महलों के नीचे कब्रिस्तान होते हैं। फिर वो एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किए थे जिसके कैप्शन में वो लिखे, औकात के हिसाब से भोकी है भाई, हमने ठोकना भी आवे। फिर उसी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखे, हम नफरत भी हैसियत देख कर करते हैं, प्यार तो दूर की बात है। अच्छा गाइस, एल्विस यादव ने आज व्लॉग में फिर से बात किया उसी टॉपिक के ऊपर, शायद से यहाँ पे वो बात करे जासूस किंग के ट्वीट के बारे में। वो बता रहे कि वो रोक भी तो सकते थे उसको, शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, आप खुद देखिए। जो चीज हो रही है ट्विटर पे वो रोकी भी जा सकती थी, एक कमेंट जो आया प्रॉपर ट्वीट है, वो तो प्रॉपर ट्वीट जो है, प्रॉपर ट्वीट है, वायर ने करा है। कैसा भाई, तुम्हें लगा कि हमने सबको बता दी कि तुम्हारा नाम लेके कर दिया हमने,
इसलिए तुम्हें बुरा लग गया, हमने तो नाम नहीं लिया था, फिर क्यों कमेंट बाजी? चलो कमेंट बाजी हो भी गई भाई, रोक लेते। उसका बड़ा भाई तो रोक सका था भाई, बड़ा भाई रोक भी सका था, बड़ा भाई अपने सारे रिप्लाई भी रोक सका था अपना, समझ रहे हो ना, वो पता लग रहा है यार। और फिर अपनी साइड से ये भी कह रही, हमारी साइड से तो कुछ नहीं है पापा, तुम्हारे साइड से ही है भाई बहुत कुछ। जितने भी ये नेगेटिव पीआर करने वाले पेजेस हैं, नेगेटिव पीआर करने वाले लोग हैं, या फिर जितने भी हेट फैला रहे हैं, गाली गुली वगैरह, जो मैंने ट्विटर पर डाली थी गाड़ी पलटने वाला ट्वीट, ये सारी चीजें कि मर जाए कट जाए जो भी हो जाए मेरे बारे में, मैंने तो अभी तक कही भी ना किसी से कि भाई तुम ये करो वो करो, ये तो खुले हम पीछे से कह रहे हैं। अगर मैंने कह दी तो भाई तुम्हारा फिर क्या हाल होगा, मेरे अलावा जितने भी तुम ये नेगेटिव वाले इनका क्या हाल होगा, उल्टी पड़ जाएगी भाई। तो ये सब चीजें ना रोक दो, हेट मत फैलाओ भाई सोशल मीडिया पे, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। और प्यार की भाषा ना समझ में आती हो तो भाई ऐसे आमने सामने मिल लेना क्योंकि अब मैं बिग बॉस में तो हूँ नहीं, जो हाथ ऐसे रहेंगे मेरे, समझ रहे हो ना। क्या लगता है आप लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉमेंट करके जरूर से बताना। और सुना गाइस, इस कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर जो फलक नाश ने भी रिएक्ट करा है, वो कही #BigBoss OTT2#SideEffect। कुछ लोगों के लिए बिग बॉस अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक दूसरे को डिग्रेड करने में लगे हुए, गेट अ लाइफ गाइस। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात, उसके बादशाह के बारे में। तो बादशाह, जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि फैनफेस्ट में परफॉर्म किए थे, वहाँ पे कुछ तो एक इशू हो गया था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, बट अभी मुझे पता चल गया। जैसे बादशाह का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो वहाँ पे ना सारे लोग जो हनी सिंह चिल्लाने लगे। यस, आप वो क्लिप देखिए। अभी बादशाह आने वाला है, बाकी सब हनी सिंह चिल्ला रहे हैं। इसके बाद ना बादशाह काफी टाइम तक स्टेज पर आए ही नहीं, फिर काफी टाइम बाद वो स्टेज पर आके फिर परफॉर्म की। अच्छा गाइस, आपको बता होगा बादशाह वर्सेस हनी सिंह ज्यादा करके फैंस लड़ते हैं ना। बादशाह ने बोल दिया था इनसे कम बैक की नहीं हो रहा, एंड हनी सिंह का भाई कुछ टाइम पहले एक म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है जो कि मतलब काफी लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसके बाद से बादशाह को काफी ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है ना। यहाँ पे स्वेगर शर्मा भी लिखे थे, यार ये बादशाह वर्सेस हनी सिंह कर रहे हो तो सही से करो ना, मजा आए, थोड़ा माहौल बने। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, गदर 2 के बारे में। तो गदर 2 ने भाई क्रॉस कर दिया पठान के रिकॉर्ड को। तो पठान का जो कलेक्शन था इंडिया में, हिंदी की बात कर रहा हूँ ठीक है, वो था 524.53 करोड़। तो उसको जो अभी गदर 2 ने क्रॉस कर दिया, गदर 2 का कलेक्शन हो चुका 524.75 करोड़। यस, गदर 2 का भी हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो कलेक्शन मैंने बताया दोनों का ये नेट कलेक्शन है ठीक है। अब यार गदर 2 ने तो क्रॉस कर दिया, लेकिन बता दूं बहुत जल्द जवान मूवी जो गदर 2 को क्रॉस करने वाला है, क्योंकि जवान का अभी तक कलेक्शन हो चुका 519 करोड़। सिर्फ हिंदी का बात कर रहा हूँ, ये नेट कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन तो 1000 करोड़ से अबव हो चुका है। खैर अभी गदर 2 टॉप पर है। और यहाँ पे फिल्म का बात हो रही है तो बात करते हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल का भी जो टीजर आउट हो चुका है भाई, क्या ही खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है, काफी अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं, स्पेशली रणबीर कपूर के इस लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, एंड ऑल्सो बॉबी दियोल का लुक को भाई आप देख सकते हो एकदम डेविल दिख रहा है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात, फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का देश का धोनी सीरीज आपको पता होगा जो कि लॉन्च होने वाला कल, एंड उसके लॉन्च के लिए वो कहीं स्पेशल जगह जा रहे, वो लिखे गोइंग टू ए स्पेशल प्लेस फॉर देश का धोनी लॉन्च टुमारो। तो ना किसी ने मेंशन किया था भैया कहीं मेट्रो स्टेशन तो नहीं जा रहे ना, उसका वो कहे ना भाई दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे की जगह, दरवाजे जेल में खुल गए थे। और जो देश का धोनी जो सीरीज है वो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ ने देख लिया, एंड उनका रिएक्शन आप खुद देखिए। कल हमारा हो रहा है देश का धोनी का लॉन्च, आज सुबह 4 बजे सोई हूँ सारे एपिसोड देखे, सच बता रही हूँ। तो देख गदर है ना, मतलब आपने सही में नहीं देखा अभी ऐसी चीज है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी रियल स्टोरी है ना, रियल जर्नी है ना। सही में यार रोंटे खड़े हो गए, पता है मतलब ये मेरा पति है ना, मेरा पति, इसके लिए मेरी आंखों में इज्जत और बढ़ गई है। मतलब जर्नी हुई थी ना तो मेरे को तब इसमें बहुत प्यार आया था उनसे, तो फिर लेकिन वापस घर पे आने लगा, अरे यार ये तो ऐसे ही है, बट अब कल देखे ना तो मेरे को लगा अरे ये मेरा पति है यार, ये मेरा पति है ये बंदा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, एक्टर विशाल के बारे में। तो एक्टर विशाल का बता दो, एक फिल्म रिलीज हुआ रिसेंटली मार्क एंटोनी, जो कि एक तमिल फिल्म है ठीक है। तो इन्होंने जो CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया, एलिगेशन क्या चीज का है, करप्शन का। उन्होंने बताया कि उनका जो फिल्म है मार्क एंटोनी, उसके फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, इसके बाद पता है क्या हुआ, उनसे जो है 6.5 लाख रुपए मांगे गए फॉर सर्टिफिकेशन, 3 लाख रुपए मांगे गए फॉर स्क्रीनिंग, एंड 3.5 लाख रुपए फॉर सर्टिफिकेट। उन्होंने बताया ऐसे सिचुएशन मैंने अपने करियर में कभी फेस नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो रिक्वेस्ट किया वो क्या कहे आप खुद देखिए। 6.5 लाख में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में, और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट, और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ नॉर्थ इंडिया में। लेकिन ये दुखी की बात है, इफ दिस इज द केस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, आई रियली रिक्वेस्ट the higher officials to look into this matter
and corruption. Yes, my honorable Prime Minister has always stood against corruption, and of course every leader stands against corruption, and this is corruption. जब मेरे लिए एक्टर को ऐसे हालत है तो दूसरा प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होगा, वही सोच मेरे दिमाग में है. सो प्लीज लुक इनटू इट सर, एंड वी डू हैव द एविडेंस, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ कल्चर टू रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन, बट दिस कॉन्वर्सेशन शुड हैव बीन शुड बी रिकॉर्डेड, एंड वी रिकॉर्डेड टू tell the entire world what is happening in CBFC in Mumbai. तो चलिए ये अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, यूके जेरोसम राइडर के बारे में. तो यूके जेरोसम राइडर अभी राइट पर है, ठीक है, बट उनके मॉम का तबियत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया ना, वो शायद से अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए यूके जेरोसम राइडर अपने राइड को कैंसिल कर रहे हैं. इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए. अलमिंग का फोन आया रात के 1 बजे कि मम्मा की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मम्मा को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं. मेरे ना होश उड़ गए गाइस जब कॉल आया, मैं क्योंकि नींद में था, एंड जैसे मैंने फ़ोन उठाया जब ये बात हुई मेरे को ना यकीन सा नहीं हो रहा था कि व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज मेरी मम्मा से 2 दिन पहले ही बात हुई थी राइट पर. मैंने जब ये न्यूज़ सुनी ना तो ऑनेस्टली मेरे को मैं बता ही नहीं पाया कि क्या हुआ. मैं हर्ष के पास गया, भव्य के पास गया, सब लोगों को चाह करके बोला कि भाई ऐसी सिचुएशन हुई है, एंड आई थिंक अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइस घर के लिए, बिकॉज घर पे ना बहुत पैनिक सिचुएशन हो रखा है, मम्मा अभी भी हॉस्पिटल में यार. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक्टर सिद्धार्थ के बारे में. तो ये भी एक साउथ इंडियन एक्टर है, आपको पता होगा. तो एक्टर सिद्धार्थ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, ठीक है, फॉर इस फिल्म चिक्कू, एंड वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, एंड उनको बोलते हैं वेन्यू छोड़ के जाने के लिए. वो जो लोग आए थे वो बताए कि ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु डिमांड कर रहे कावेरी रिवर वाटर फ्रॉम कर्नाटका. फिर इसके बाद सिद्धार्थ वहां से चले जाते हैं बिना कुछ बोले. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.